पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी विधानसभा में तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट स्पीकर और सीएम को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इसी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि आज का दिन कहा जा रहा है कि सबसे अहम दिन है? निश्चित तौर पर प्रत्योष, 10:30 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की बेंच में सुनवाई होनी है। और महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो याचिका सुनवाई के लिए लगी हुई है वो बीजेपी की याचिका है, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के विधायकों की याचिका है। लेकिन कल शाम को एक याचिका कांग्रेस की तरफ से भी लगाई गई थी, और कांग्रेस की याचिका में ये बातें कही गई हैं कि कांग्रेस के विधायकों को किडनैप एबडक्शन किया गया है, उनको गैरकानूनी रूप से उनको बंधक बनाया गया है और इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए। बीजेपी की याचिका जो शिवराज सिंह चौहान की याचिका जो लगाई गई थी उनमें ये बात कही गई थी कि विधायकों के कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद से कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और उसे अब सरकार चलाने का नैतिक अधिकार उसने खो दिया है। ऐसे में उन्हें विश्वासमत हासिल करना चाहिए, और विश्वासमत हासिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। और प्रत्युष, इस मामले में खास इंटरेस्टिंग ये है कि विधानसभा स्पीकर ने जो विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित किया था उसकी वजह कोरोना वायरस का आउटब्रेक बताया गया है। तो ऐसे में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी खौफ है कोरोना का, सुप्रीम कोर्ट में भी केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी एहतियात बरता जा रहा है, तो जब 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी तो उस समय यह तय है कि कांग्रेस की तरफ से दलील दी जाएगी कि विधानसभा की कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोरोना आउटब्रेक है, कोरोना का खतरा है, और ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई को पहले बुलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो बात हो गई व्यवहारिक बात, लेकिन जो तकनीकी और कानूनी संवैधानिक बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कर क्या सकता है। मांग की गई है कि तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी ऐसा आदेश देता रहा है, लेकिन ये मामला अपने आप में ऐसा है जहां पर अब स्पीकर को यह तय करना है, ये देखना है कि क्या वाकई सरकार अल्पमत में आ गई है या अल्पमत में नहीं आई है। तो ये तमाम कानूनी पहलू है जिस पर सुनवाई होनी है, लेकिन जब सुनवाई होगी तो आज जो तत्काल सियासी डेवलपमेंट है उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर होगी कि किस तरह से कांग्रेसी विधायकों को बंधक बनाया गया है और किस तरह से वहां पर राज्यपाल की बात को बार बार स्पीकर नहीं मान रहे हैं, और क्या स्पीकर को